जो आज आपने प्रोटेस्ट रखा, इसका क्या मकसद था? और ये कोई आज की नई बात नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर आज से 25 साल पहले भी थी, सरदार रफीक हसैन खान, नसार हसैन खान, मारूफ खान, खुद को नज़रअंदाज कर दिया। हम ये वाजिया करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है बच्चों का, मस्जिद लोगों का, बुजुर्गों का और उनके पेरेंटेजों का। हम ये गवर्नमेंट को ये वैलेंटियर तौर पर अल्टीमेटम देते हैं कि अगर इस स्कूल को जो वेटिंग लिस्ट है अगर अपग्रेड ना किया गया, आइंदा आने वाले इलेक्शन पंचायती पार्लियामेंट के इलेक्शन में पूरी पठाना तीर हाल को मिलकर इसका वॉकआउट करेगी। अभी से एहतजाज को कहां तक जारी रखेंगे अगर आज आई सेकेंडरी नहीं मिलता है तो? जब तक हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिलता है तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है और हमने मेरे साहब से भी पहले कई बार दरख्वास्त की और हमारा हक था। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना कोई रुकनी कमेटी जो है हमारे पास भेजे और वो इस एरिया को चेक करे और हमारी बच्चियों का सपूर यहाँ से हायर सेकेंडरी कितना दूर है और मैट्रिक के बाद हासिल कर नहीं सकती, इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि मौका देखा जाए और हमें हायर सेकेंडरी दिया जाए। और हम जब तक एहतियात जारी रखेंगे जब तक हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिले। पठाना तीर की स्कूल की बात खाली नहीं है, ये काले बन तमाम काले बन का लोग जितने भी हैं ये भी इसे कट ऑफ कर देंगे, अगले इलेक्शन में ये भी बॉयकॉट करेंगे। ये काले बन के लोगों के साथ भी ना इंसाफ हुआ है और इसकी तरह गली के अपर के लोग जो हैं वो भी इसी स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। ये जो एहतियात रखा है इसका क्या मकसद? हमने एहतियात इसलिए रखा है कि हमें हायर सेकेंडरी चाहिए। हमारे साथ हर बार यहाँ पे जो भी मिनिस्टर यहाँ पे आता है वो हमारे साथ खोखले वादे करके चला जाता है, वो हमें हर बार झूठे दिलासे दिलाते हैं कि हम जो आपका स्कूल है वो अपग्रेड करेंगे, उसके बाद आपको सड़कें देंगे। सड़कों की बात तो गई, हमारा जो मुस्तकबिल है वो इस स्कूल से जुड़ा हुआ है। हम सब यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो भी यहाँ से जो कोई मिनिस्टर गया है, जो कोई ऑफिसर गया है, जो कोई प्रोफेसर गया, सब यहाँ से पढ़ के स्कूलिंग करके गए हैं। तो मैंने खुद यहाँ से स्कूलिंग किया, मैं यहाँ से 11th 12th मैंने किया चित्राल से, मैं सुबह जाता था और शाम को साथ। अगर हम लड़कों को इतना चलने में दुश्वारी होती थी तो उससे लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो हमने इसलिए आज ये स्कूल बंद किया है। तो यहाँ पे बच्चों को भी हमने कहा है कि आज के बाद आप यूनिफॉर्म नहीं डाल के आना, हमने बायकॉट करना है। तो हम अपनी एक कमेटी तश्कील देंगे, कुछ मेंबर ऐसे चुनेंगे जो कि आगे भी बात करेंगे यहाँ से। हम ये प्रोटेस्ट अगर इन्होंने हमारी बात ना सुनी, तो इन्होंने अपना कोई नुमाइंदा ना भेजा हमारे पास हमसे बात करने के लिए, तो हम आगे मेंबर में भी एहतजाज कर सकते हैं। और हमसे जो बन पाया हम महबूबा मुफ्ती तक भी जा सकते हैं और हमसे जो बन पाया हम करेंगे। हमें आइस कैंडी चाहिए, हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमारा स्कूल बहुत पुराना है लेकिन सलवा को इन्होंने पहले अपग्रेड कर दिया, हमें हर बार नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पे देखो आज कितने बच्चे, सिर्फ बच्चे ही हैं, बड़ा कोई भी नहीं। अच्छा, आपने ये स्कूल बंद करवाया, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों की तालीम पे असर पड़ रहा है? आपने ये फोर्सली स्कूल बंद करवा दिया, बच्चों की तालीम पे असर तो पड़ रहा है लेकिन इसके बिना हमारे पास तो चारा नहीं है। हम स्कूल बंद करेंगे तब भी उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी कि वहाँ पर स्कूल बंद हुआ है, और वहाँ से कोई आएगा कि स्कूल किस वजह से बंद हुआ है। शायद इन्होंने यहाँ से मैसेज कर दिया होगा कि इन्होंने यहाँ की आवाम ने आके स्कूल बंद कर दिया है, तो वो कंफर्म तो करेंगे, कोई नुमाइंदा भेजेंगे कि स्कूल किस वजह से बंद। क्या सिर्फ यही हाई स्कूल बंद था या बाकी ओवरऑल वो प्राइवेट स्कूल भी बंद करवाए हुए थे, ऊपर मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो सब बंद करवाए हुए हैं, तो सारे स्कूल बंद किए हुए हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं है। इसकी वजह सर आज स्कूल की बंद रही है कि यहाँ की अफवाह जो है कालाबंद की गाँव में ये डिमांड रखी है कि हमारा स्कूल को हाई स्टैंडर्ड का दर्जा दिया जाए। दोस्तों ने खुशी आके हमें बारे लगा दिया हमारे स्कूल को, तो ये अवाम का डिमांड कर रही है कि हमारे स्कूल को हाई स्टैंडर्ड का दर्जा दिया जाए। इसलिए यहाँ के लोग जो है वो जबरदस्ती आके यहाँ
क्या आज इस स्कूल को कोई ऑफिशियली क्लोज करने का कोई ऑर्डर था या कि ऑफिशियली कोई नहीं ऑर्डर कोई नहीं था हमारा यहाँ आने का, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं ऐसा नहीं ना हम इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता ये अवामों ने ज़बरदस्ती आके इनको हमारे स्कूल को ताला